जिला कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले 9 माह से महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2 पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण 3 जिलों की गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू जिला क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले 9 माह से महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2 पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण 3 जिलों लाहौल स्पीति, कुल्लू व मंडी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ अन्य महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने 2 बार महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों के ऑर्डर किए, लेकिन महिला विशेषज्ञ चिकित्सक ने ज्वाइनिंग नहीं दी। वहीं डॉक्टरों के आगे सरकार भी बेबस नजर आ रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार का अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। कुल्लू जिला में दर्जनों डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सुविधा चरमराई हुई है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टरों के पद खाली चल रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही। वहीं 3 माह पूर्व महिला विशेषज्ञ चिकित्सक न होने से कुल्लू अस्पताल में महिला और नवजात शिशु की मौत का मामला विधानसभा में उठा था। बावजूद इसके कुल्लू अस्पताल में गायनी डॉक्टरों के पद खाली होने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे 2-3 महीने से अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर बदतमीजी से यहाँ पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कल डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा रही थी तो उन्होंने मुझसे लाउडली बात की। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को देखने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, और ऐसे बात की जैसे पता नहीं क्या है, चौड़े होके बात की। बोले परे आओ, 220 की पर्ची बनाओ, मैं यहाँ का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर फ्री में मदद करने आता हूँ, तो बस हो जाती है मदद। और हमने सुना है कि वो उनको सीजेरियन के पैसे दिए जाते हैं, वो फ्री में नहीं आते हैं। और उन्होंने मेरे से ऐसे बात की और मैं तो कुछ बोलने को ही नहीं रही, मैं तो डर गई उस टाइम। मेरा पहला बच्चा भी मर चुका है, दूसरा बच्चा मेरा प्रीमेच्योर है, अब तीसरे बच्चे को बचाने के लिए मैं टाइम से पहले ही आ गई हूँ, है ना। और मनीषा डॉक्टर है, वो तो अच्छे से देख रहे हैं, डॉक्टर वैद्या भी है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, अब कहाँ कहाँ देखेंगे वो। 2-3 महीने से मैं हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं डॉक्टर। हमारे साथ ना गाइनियर के डॉक्टर है यहाँ पे, ढंग से वहाँ चेकअप करने के लिए जाते हैं ना, वो बोलते हैं हमें, हम के आपके नौकर हैं यहाँ पे, फ्री में आते हैं हमें यहाँ पे, बोले 220 रुपए की पर्ची काटो परे, तब आ जाओ परे, बोला चेक होने ऐसा बोल। सर अगर हमें 220 रुपए की पर्ची काटनी होगी ना, तब हमने यहाँ नहीं बैठना था, बेड रेस्ट वाले हम सर, तब भी यहाँ पहुँचे हम, जरूरत है। तो उन्होंने बोला कर्नल हेमराज है, वो चेक करेंगे आपको, अगर हम भगवान मानते हैं सर उनको, अगर हमारे भगवान ही हमारे साथ ऐसी बातें करने के, हम क्या बोलेंगे सर उनको, क्या सोचेंगे हम। क्षेत्रीय अस्पताल की बदहाली के चलते महिलाओं ने उपायुक्त से भी मुलाकात की। उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार से बात करके कुल्लू अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस समस्या को लेकर कुल्लू जिला के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में कुल्लू अस्पताल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विकास का दम भरने वाली सरकार चारों खाने चित है और लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि यदि जल्द ही कुल्लू अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं की गई तो सरकार का घेराव किया जाएगा। मैंने कुल्लू हॉस्पिटल का मुद्दा विधानसभा में बहुत प्रमुखता से उठाया था और कॉल अटेंशन मोशन के मैंने मांग की थी, फिर चर्चा इस पर जब हुई और मुझे आश्वासन दिया गया कि कुल्लू हॉस्पिटल में गायनी की डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है, आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्टर पिछले 9 महीने से कुल्लू हॉस्पिटल में नहीं है, हैरानी की बात है। और किस तरह का ये, क्या इंतज़ाम है, कैसे ये हॉस्पिटल चलेगा, सरकार हमसे क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हम यहाँ पे बड़े उग्र प्रदर्शन करें, तब सरकार जागेगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।